सुस्तर महादेव गौरी श्रृंगार का जो दिव्यतम संकल्प लेके सनातन धर्म अनादिकाल से पूजा अर्चना वंदना कर रहा था, उसमें SIT की जांच का प्रमाण सामने आया है। 32 प्रमाण मिले हैं भगवान बाबा विश्वनाथ के प्राचीन धार्मिक स्थल होने का। निश्चित रूप से आक्रांताओं के आतंक का खुलासा हुआ है। मुस्लिम शासकों द्वारा जो हमारे धार्मिक स्थलों को विखंडित किया गया उसका प्रमाण मिला है। स्तंभ मिले हैं, मूर्ति मिली है, मंत्र मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं और पूरे सनातन संस्कृति का जो अपमान हुआ है उसका भंडाफोड़ हुआ है। निश्चित रूप से आने वाला समय सनातन धर्म को एक बल प्रदान करेगा। राम जन्मभूमि की तरह काशी भी हम सबको शीघ्र प्राप्त होगी, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। तीर्थराज प्रयाग में संकल्पित अनुष्ठान चल रहा है। काशी विश्वनाथ भव्य मंदिर निर्माण हेतु संकल्पित मेरी 797 चतुर्दंड परिक्रमा संपन्न हुई है। 125,000 मंत्रों का जप चल रहा है। 54 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। 11,00,000 रुद्राक्षों की शिवलिंग स्थापित की गई है। ये सारे संकल्प काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण हेतु है। लेकिन आज जब मैंने पेपर को देखा मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों का जो सच्चा संकल्प था बाबा की कृपा प्रसाद प्राप्त करने का वह साकार होने वाला है। निश्चित रूप से कलंक का ढाका समाप्त हो जाएगा, विजय मिलेगी, श्री मिलेगी और पुनः भगवान रामलला की तरह बाबा विश्वनाथ भी काशी में शीघ्र ही विराजमान होंगे। गौरी श्रृंगार पूजन के साथ सारी साकार जो हम सब संकल्पनाएँ हैं वह पूर्ण होंगी। सरकार को चाहिए, न्यायपालिका को चाहिए इसमें तत्काल नित्यपत सुनवाई कराए। सुनवाई करा करके पूरे कलंक के ढांचे को शीघ्र समाप्त करना चाहिए क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। निश्चित रूप से जब सारे साक्ष्य मिल गए हैं इसमें विलंब करना ठीक नहीं है।